मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का फालूदा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बनाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, ग्रेट की हुई एक कप लौकी, इसे हम दूधी भी कहते हैं। ज़्यादा बीज वाली लौकी का इस्तेमाल ना करें, नरम वाली लें। आधा कप साबूदाना, आधा कप शक्कर, एक चौथाई चम्मच ग्रीन कलर। साबूदाने को हम 10 मिनट पहले पानी में भिगो लेंगे जिससे इसे पकाने में आसानी होती है और ये जल्दी से गल जाता है। एक पतीली में एक गिलास पानी डालेंगे। जब हमारा पानी बॉईल होने लगे तो हम ग्रेट किया हुआ लौकी डालेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसे पका लेंगे ताकि ये गल जाए। अब इसका पानी हम निकाल लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा पतीला लेंगे, इसमें दूध डालें। हमारा दूध बॉईल हो रहा है, अब इसमें साबूदाना डालेंगे और इसे बराबर चलाते हुए हमें पकाना है। इसे लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। हमारा साबूदाना अब गल चुका है। गलने पर इसके दाने फूल जाते हैं और ये ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगता है। अब इसमें लौकी डालेंगे और अब ग्रीन कलर भी डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। आखिर में इसमें शक्कर डालकर थोड़ी देर पकाएं। और फिर हम इसकी गैस बंद कर देंगे। हमारा लौकी का फालूदा तैयार है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे, फिर इसे फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा कर लें। हमारा लौकी का फालूदा ठंडा हो चुका है, इसे एक ग्लास में हम सर्व करेंगे। गार्निश के लिए मैंने पिस्ता और काजू लिए हैं और रू अफ़ज़ा, या आप रोज सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ग्लास में लौकी का फालूदा डालें, फिर ऊपर से अपनी पसंद की कोई भी आइसक्रीम डालें, काजू और पिस्ता डालें, ऊपर से थोड़ा सा रू अफ़ज़ा डालें। हमारा फालूदा सर्व करने के लिए तैयार है। तो देखा आपने ये कितनी आसानी से बन जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।